और जब वह खुलेगा आपका पोल, तब और लोग असली जानेगा, बजाएगा आपका ढोल। इस अवस्था में आपको संन्यास लेना चाहिए, नए लोगों को अवसर देना चाहिए। ये अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बीमार बड़े भाई को लेकर के ये क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार को हंसी के पात्र बना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन सोनिया गांधी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई है। करीब 20 मिनट चली इस मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक बातें निकल के सामने आ रही है, और ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस पर तंज कसाया और कहा है कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अपने बीमार भाई को लेकर घूम रहे हैं, बीमार बड़े भाई यानी कि लालू यादव पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को लेकर घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी एकता एक करें, इससे अच्छा है कि बिहार में रहकर बिहार को ठीक करें, बिहार को आगे ले जाएं। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप सुने। देखिए, ये अभी सभी से मुलाकात करेंगे, बिहार को अराजकता के वातावरण में डाल दिए हैं दोनों आदमी की। बिहार से जो बदले की भाव मन में रहा, प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध पर कंट्रोल करने की बजाय ये अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। लोग महत्व नहीं दे रहा है, तरजीह नहीं दे रहा है, बिहार को हंसी के पात्र बना रहे हैं और बिहार के लोगों को लज्जित करवा रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बीमार बड़े भाई को लेकर के ये क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे, आप अपना बढ़िया से बिहार का कर्तव्य निभाते, बिहार को बेहतर बनाते, हर क्षेत्र में जो फिसंडी बनते चला गया, आपका ग्राफ गिरते जा रहा है, आप कहां भटक रहे हैं? सचमुच में इस अवस्था में आपको संन्यास लेना चाहिए, नए लोगों को अवसर देना चाहिए। प्रतिपक्ष पूरी सजगता से आपकी खामी को उजागर करेगा और जब वह खुलेगा आपका पोल, तब और लोग असली जानेगा, बजाएगा आपका ढोल, और जब ढोल बजेगा तो फिर आप बाहर घूमने लायक नहीं रहिएगा। तो आपने साफ सुना किस तरीके से विजय सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को अराजकता में डालकर खुद नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और विपक्षी एकता करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने बीमार बड़े भाई को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। यानी कि बड़े भाई का संदर्भ यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, किडनी डायलिसिस पर भी हैं, और ऐसे में बीते दिन जब सोनिया गांधी से मुलाकात करने खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी थे, जहां पर दोनों ने हाथ मिलाकर एकजुटता जो है वो दिखाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद क्या कुछ राजनीतिक मायने निकल के सामने आते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।